आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे गए, मैं उसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में हो नहीं हूँ ये मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर बनने का मूल कारण कभी अगर किसी को पूछा जाए, मुझे याद आ रहा है एक बार एक लॉ कॉलेज में मुझे बुलाया गया, लॉ यूनिवर्सिटी था चंडीगढ़, हेल्थ एंड डिजीज पे लेक्चर के लिए। तो एक लड़के को मैंने उठाया और उससे पूछा कि तो क्या बनना चाहते हो, बोला मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ। तो क्रिमिनल लॉयर क्यों, क्यों क्रिमिनल लॉयर? क्रिमिनल लॉयर मतलब वो उसका सारा फोकस शहर के क्राइम पे होगा, और इनकम कैसे बढ़ेगा, अगर क्राइम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी उसकी। लॉयर कोई क्यों बना, ताकि समाज में क्राइम ना हो और हम कर क्या रहे। डॉक्टर कोई क्यों बनता है, समाज में डिजीज ना हो लेकिन हम कर क्या रहे। हमें ये प्रश्न कई बार खुद से पूछना भी जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं ये सीधा आईने की तरह रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या आप उस पाथ पे चल रहे हैं। एलोपैथी करते करते, MBBS करते करते मुझे ये आभास हो गया था कि क्योर नाम की कोई चीज है नहीं, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, मैनेजमेंट ऑफ हर्निया, मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिल, क्योर ऑफ हाइड्रोसिल नहीं, क्योर ऑफ कैंसर नहीं। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि शायद हम इतनी दूर की कल्पना या परिकल्पना कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप अगर मेरा व्हाट्सएप भी देखेंगे, व्हाट्सएप का स्टेटस है ड्रीम द इम्पॉसिबल, बिकॉज इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। आप सपना ही छोटा देख रहे हैं तो उसको पूर्ण कैसे करें, बहुत बड़ा सपना देखना चाहिए। और इसलिए हमने सोचा कि कैसे करेंगे। MBBS के बाद मैं डिसिल्यूजन हो गया था, मैंने MBBS छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। वो दुर्भाग्य या सौभाग्यवश उसमें हुआ नहीं मेरा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का चॉइस शायद गलत था, संस्कृत और हिस्ट्री लिया था मैंने, नहीं हो पाया मेरा। फिर से वापस इस लाइन में आया, फिर MD की, फिर मैंने सोचा कि जरा आगे बढ़ के देखते हैं, हो सकता है इस लेवल पे MBBS के लेवल पे शायद मुझे ना पता चले। सब कुछ करने के बाद मैं रेडियोलॉजिस्ट बना, रेडियोलॉजिस्ट आज भी हूँ। जो आप एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, PET CT जो आप सुनते हैं वो मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। एक चीज मैंने देखी कि पेशेंट क्योर नहीं हो रहे, क्योंकि कैंसर वैंसर में भी हर 6 महीने पे पेशेंट वापस आता है PET CT कराने के लिए, या 3 महीने पे, ताकि प्रोग्रेशन या रिग्रेशन कैसा चल रहा है डिजीज प्रोसेस का वो हम देखते हैं। उसमें हमने ये देखा कि कोई पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है, डाउन हिल, द पाथवे इज डाउन हिल, अपहिल भी नहीं या फिर मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है, वो डाउन हिल ही है। क्या इस ट्रैजेक्टरी को अपवर्ड्स मूव किया जा सकता है, ये सोचते सोचते फिर हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन शुरू किया। मेडिसिन का डेफिनेशन यहां जानना जरूरी है, आप सबके पास फोन है, गूगल में कभी देखिएगा मेडिसिन कैसे डिफाइन करते, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन इज नॉट अ पिल, वेदर इट इज एन आयुर्वेद। दुनिया कहां पर फंसी है, दुनिया फंसी है पिल में। ये एलोपैथिक मतलब होगा, इसमें साइड इफेक्ट है, आयुर्वेदिक लेवल, हर्बल लेवल, क्या वो मेडिसिन है? और क्या मेडिसिन से ठीक हो जाता है? मुझे एक मेडिसिन, कोई भी पथिका, एक मेडिसिन दिखा दीजिए और एक बीमारी बता दीजिए
कि ये मेडिसिन है और ये बीमारी है जी, ये मेडिसिन ले लीजिए और ये बीमारी ठीक हो जाती है, दिखा दीजिए। पूरी दुनिया में ये संभव नहीं। इसीलिए आप देखेंगे मेडिसिन के डेफिनेशन में पिल नाम का शब्द नहीं। मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है? द साइंस दैट क्योर्स और प्रिवेंट्स अ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। आप देखिए, अगर आप सबके पास फोन है, देखिए डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन क्या है। डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन इज द साइंस दैट प्रिवेंट्स और क्योर्स अ डिजीज। क्या हम वो साइंस को पकड़ पा रहे हैं? क्या हम क्योर कर पा रहे हैं? शायद एक पद्धति से ये संभव नहीं है। इसलिए हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन शुरू किया। जितनी हीलिंग पद्धतियां हैं सबका बेस्ट लेके, मेडिसिन नहीं, सबका बेस्ट लेके हम क्या हील कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं। और इसीलिए बिना औषधि के क्या हम हील कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अभी भूल गया, इसका पहले प्रूफ दे दूं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है आप कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते हैं। आज के दिन हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, तो बिल्कुल और प्रूफ मांगना भी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बोल के निकल जाए वो ठीक है। कोरोना काल याद करिए, सारी विद्याएं फेल हो गई। ऐसा लग रहा था कि प्रलय जो पहले नॉस्ट्राडामस ने बताया था वो आ ही गया है और अब तो विश्व का अंत दिख रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया था, रोड पे भी सन्नाटा, सब जगह सन्नाटा, कहीं कुछ भी कोई आवाज नहीं, चिड़िया भी उधर उस टाइम पे कम ही नजर आती। तो याद करिए, बहुत ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं। और कोरोना काल में हमने आगे बढ़ के इंडिविजुअली करीब करीब 15,000, कलेक्टिवली हम चार लोग मिलकर कर रहे थे 60,000 पेशेंट हमने बचाए हैं। हमारे पास जो आ गया वो बच गया, क्योंकि हमने वो साइंस यूज किया जिसके चलते पेशेंट बच गए। वो मैं आपको इसलिए भी बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट पैंडेमिक भी अगर आएगा तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन, 10,000 बीमारियां इंसान को पता है। इंसान को ज्यादा कुछ पता नहीं है, इंसान अपने आप को ज्यादा काबिल समझने के चक्कर में फंस गया है। हम तो बहुत काबिल है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके चक्कर में फंस गए। 10,000 बीमारियां ही पता है हमें, इससे ज्यादा बीमारियां पता नहीं। 9,985 टू बी प्रसाइस, इतनी ही बीमारियां, लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही। पैथोजेन बीमार करता है, पैथोजेन कहते हैं उसको। पैथोजेन मतलब पैथोलॉजी जनरेटर, पैथोजेन यही बीमार करता है। या तो पैथोजेन बाहर से आएगा जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा जैसे कैंसर, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर। ये अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया। यही दो तरीके हैं बीमार और बीमारी आने के। अब बाहर से कोई अगर पैथोजेन आया जैसे कोरोना, तो बॉडी क्या चुपचाप बैठी रहेगी? बॉडी आपकी प्रोटेक्टर है। और ये जो अन्नमय कोश आपको ये दिख रहा है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है। और क्षमता ऐसी कि दुनिया में ऐसी कोई दूसरी हमने देखी नहीं इस बॉडी में जो क्षमताएं हैं। इसलिए जो भी आदमी मेडिकल साइंस डीप से जानता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। अगर डीप से जानता है तो, क्योंकि अद्भुत है। गॉड अगर है नहीं है इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन बॉडी है और वो काम कर रही है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। अगर नहीं है तो आपको डिवाइन का प्रेजेंस आपके बॉडी में दिख जाए। अगर आप ठीक से डीप में देखना चाहें आपको देख जाएगा। पहला, वेलकम टू दिस, कमिंग बैक टू, बाहर से कोई अगर पैथोजन आया तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी?
सबसे पहला काम करेगी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी उस पैथोजन को मारने के लिए। पूरी दुनिया कारण भी है टेम्परेचर को कम करने। क्या हम बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हार्म कर रहे हैं, हमें ये बात समझना पड़ेगा। आयुर्वेद भी का आप कहां पर फंसा हो, बस तुम्हारे पास पैरास्टामोल है तो मेरे पास सुदर्शन बट्टी। अरे हम कहां फंसे हैं, हम कर क्या रहे हैं? क्या हम डिजीज प्रोसेस समझ रहे हैं? क्या सिर्फ औषधि से ही ठीक होना है? क्या सिर्फ औषधि ही है? पूरा का पूरा आयुर्वेद मैं जानता हूं, मैं पढ़ चुका हूं, 5-7% आयुर्वेद औषधियों की बात करता है, बाकी जीवन जीना कैसे है उसकी बात करता है, ताकि आपको बीमारियां ना हो। उस 5-7% औषधि के चक्कर में हम दिस वर्सेस डाइट के चक्कर में पड़ रहे हैं। हम इससे किसका भला कर पा रहे हैं? बिकॉज कॉम्पिटिशन इज ह्यूमन, कोऑपरेशन इज डिवाइन। हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें एक साथ मिलना पड़ेगा, ताकि हम समाज का लोगों का भला कर पाए। बहरहाल तो कोरोना बाहर से आया, टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर से मौत नहीं हुई, टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन। आप हाइड्रेट करिए, हमने यही किया, हमने हाइड्रेट किया। 10-15 से 20 घंटे तक, मैक्सिमम 24 घंटे टेम्परेचर नीचे आया था। टेम्परेचर जिस काम के लिए उठा है वो अपना काम करके, वो एक ब्रह्मास्त्र है, वो अपना काम करके ही लौटेगा, ये मानना पड़ेगा। और ये आपके बॉडी के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दूसरी चीज बॉडी क्या करेगी, जो सेल्स एफेक्टेड हो गए हैं, बॉडी इस बॉडी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, ताकि वो सेल्स मर जाए। और हमने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, हमने बॉडी को हेल्प किया कि हम क्या, हमें ये बात समझना पड़ेगा। पद्धति कुछ भी, हम परसों क्या कर रहे हैं, क्या हम इन विधियों से क्लेम कर सकते हैं कि हम लोगों को ठीक करेंगे? जब तक उसमें लॉजिकल रीजनिंग और साइंस नहीं होगा, जितनी साइंस इंसान को पता है, इंसान को बहुत साइंस पता नहीं है वैसे, और नॉनसेंस वर्ड नॉट साइंस से आया है, इन केस कोई अगर जानना चाहता है, द वर्ड नॉनसेंस हैज कम फ्रॉम नॉन साइंस, इट्स अ नॉन साइंस थिंग, सो इट्स अ नॉनसेंस थिंग। तो जितनी साइंस इंसान को पता है उससे क्या क्यों संभव है, हमें इन बातों पे गौर करना है। हमने यही किया, हमने। और आप अंदर क्या लेते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं एज अ स्टूडेंट, आप तो ये बताएं हम अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं। मैं आपसे पूछूं, ऑक्सीजन लेते हैं आप? मैं तो एयर लेता हूं, आप क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, ऑक्सीजन। अगर 7 स्टैंडर्ड कोई पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 7 में ये बताया गया था कि ऑक्सीजन आग लगाता है, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं? एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? जो एक्सेस ऑक्सीजन आपकी बॉडी में है, कार्बन रिच फूड्स उस ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल देते हैं, तो बॉडी हेल्दी हो जाती है। अगर नहीं निकालती तो वो ऑक्सीजन आग लगा देता है। तो ये आश्चर्य वाली कौन सी बात है कि आपने ऑक्सीजन दे दिया और पेशेंट ऊपर चला गया, आश्चर्य वाली कौन सी बात, आग लगाई है आपने, एयर क्यों नहीं दिया? खंडित नॉलेज, खंडित दृष्टिकोण, इसीलिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जरूरत है। ये जो खंडित दृष्टिकोण है किसी भी चीज को देखें, नहीं हम ऑक्सीजन लेते हैं, और पूरी दुनिया को पढ़ा भी दिया कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, पूरी दुनिया ये सोच में चल पड़ी कि पता नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा तो बच ही जाएगी, अच्छा हुआ नहीं मिला, ये हम कभी नहीं सोचते। हम बेसिक्स भूल गए हैं, 2+2=4 है, इसलिए रॉकेट उड़ता है। रॉकेट साइंस में जाएंगे और 2+2=4 भूल जाएंगे, तो ना यहां के रहे ना वहां के रहे,
यही स्थिति में हम चल रहे हैं। हमने ये सिंपल सिंपल चीजें करके इतने पेशेंट बचाए। हमारे पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा के लोग आए थे, हमने इमीडिएटली उतरवाया, उल्टा लेटवाया, क्योंकि जब भी आप उल्टा लेटेंगे, जब भी आप पीठ के बल लेटते हैं, वैसे दुनिया में और कौन सा जानवर है जो पीठ के बल सोता है? आप हर चीज में एक्सेप्शन नहीं हो सकते। इंसान अपने आप को एक्सेप्शन समझता है हर चीज में। मुझे एक और जानवर दिखा दीजिए जो पीठ के बल लेटता है, कभी देखा? जब मर जाता है तब पीठ के बल लेटता है। कॉकरोच उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जितनी भी क्रेनिया है उनको पता है कॉकरोच जब मर जाता है तो उल्टा हो जाता है। हम रोज उल्टा होते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। जब आप पीठ के बल सोते हैं, स्पाइन सबसे ज्यादा टेंशन में पीठ के बल होता है, स्पाइन सबसे ज्यादा रिलैक्स। आपको आश्चर्य हो रहा है, अगर स्लीप हो गया तो आश्चर्य वाली कौन सी बात है? आपको पता ही नहीं कि तरीका क्या है। पेट के बल सोइए या साइड में सोइए, स्पाइन एकदम रिलैक्स रहेगा, सपना भी ठीक आएगा, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएंगे और खुले रहेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, नाड़ी शुद्धि करके सोइए, पेट के बल सो जाइए, एक नॉस्ट्रिल फट से बंद हो जाएगा। पेट के बल सोइए, दोनों नॉस्ट्रिल खुले रहेंगे। आप सोते क्यों है वैसे? अगर पूछा जाए, मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं, आप सोते क्यों है? क्यों सोने की जरूरत? इंसान को ज्यादा साइंस मालूम नहीं है। अगर पूछ दिया जाए 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस, नोट करिए 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसमें पहला है व्हाट इज कॉन्शियसनेस। साइंस को नहीं पता। हम सपना क्यों देखते हैं? साइंस को नहीं पता। साइंस डज नॉट नो हम सपना क्यों देखते हैं। जितना मर्जी, जितना हम क्लेम कर लेंगे साइंस इतना आगे बढ़ गया, ठीक है भाई बता दो तुम सपना ही क्यों देखते हो। सपना देखते हैं, सभी देखते हैं, हम क्यों देखते हैं हमें नहीं पता। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन साइंस, आज तक आंसर नहीं है। तो आप देखें ये छोटी छोटी बातें हमें ये पता नहीं है, और हम बड़ी बड़ी बातें करने में गुरेज नहीं करते। हम छोटी बातों को पकड़ के चले, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तन मन और धन से भी स्वस्थ रहे, नहीं तो अस्वस्थ रहे। और बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट भरता नहीं। बेसिक्स पे आना पड़ेगा, बेसिक्स पे आपका आके आपको हेल्प भी मिलेगा। तो जब आप पेट के बल सोते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाते हैं, ज्यादा आप हवा लेते हैं अंदर। क्यों ज्यादा हवा की जरूरत है? क्योंकि आप सोते हैं बॉडी को रिपेयर करने के लिए। जितने टॉक्सिन्स आपने लिए हैं, बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए आपको शिथिल कर देती है, ताकि मुझे मौका दो ताकि मैं डिटॉक्स कर सकूं। रोग को रोकना पड़ता है रिपेयर के लिए, आपको रोकना पड़ता है नींद में। दारू पीने वाले ज्यादा सोते हैं, क्यों? बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है डिटॉक्स करने में। कंदमूल फल खाने वाले 3 घंटे ही सोते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट क्या चाहिए आपको? हवा। अगर एक नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं तो आधी हवा ले रहे हैं, अगर दोनों नॉस्ट्रिल से लेंगे तो पूरी हवा लेंगे। ज्यादा गहरी नींद में सोएंगे, कम टाइम में सोएंगे, इसलिए पेट के बल सोना जरूरी है, इसलिए साइड में सोना जरूरी है। अब सोने का पर्पस भी मालूम हो गया, सोने का आपको पॉस्चर भी मालूम हो गया। नहीं तो तीसरी, अगर मान लीजिए आप पीठ के बल सोए और आपने तकिया ले लिया, ये फोल्ड करके तकिया समझ लीजिए, तकिया ले लिया, आपका सर ऐसे उठ गया है, अब ब्लड हैज टू गो टूवर्ड्स द ब्रेन। आपके बाल अगर गिर रहे हैं, टकले हो रहे हैं आप, तो आश्चर्य वाली कौन सी बात? आपके स्कैल्प में ब्लड जा नहीं रहा है, ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रहा है, तकिया ले लिया आपने, बाधित कर दिया उसको, तो ब्लड एक किक से जा रहा है। तकिया हटा दीजिए, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये पॉस्चरल मेडिसिन,
ये इतने सिंपल सिंपल तरीके से हम ब्लड प्रेशर क्योर करते हैं। आप इसको मेडिसिन बोलिए, मैं भी इसको मेडिसिन बोलता हूं बिकॉज ये साइंस। दूसरा, कुछ लोग के नाक बचते हैं, मैं हाथ नहीं हूं मतलब उठवाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के नाक बचते हैं और सिर्फ मेल्स के ही नहीं फीमेल्स के भी। कैसे? हवा को एंगल देंगे तो बजेगा। बांसुरी कैसे बजता? बांसुरी कैसे बजता है? हवा को एंगल दिया जाता है। जब भी आप हवा को एंगल देंगे बजेगा। आप तकिया ले लेते हैं, सब ऐसे हो जाता है, आपके एयरवे को आपने एंगल दे दिया तो वो बजेगा ही। तकिया निकाल दीजिए, स्नोरिंग बंद हो जाएगा। कोई सर्जरी से स्नोरिंग बंद नहीं होगा। इस ब्रीथ कृष्णा में ला रही है कि कोई दवा निकल गई है स्नोरिंग बंद हो जाएगा। प्लीज, ये बेवकूफिया है, इनमें ना फंसिए। सीधी सीधी बात करिए और सीधी सीधी बात साइंस के माध्यम से एक्सप्लेन करिए, चीजें ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, हम 3 दिन में डायबिटीज खत्म करते हैं। हम कोई मेडिसिन नहीं यूज करते, मेडिसिन बंद करवाते हैं। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं बंद करिए। ब्लड शुगर विल बी नॉर्मल इन 3 डेज टाइम। कैसे? हम वो साइंस यूज करते हैं जिससे ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। कैसे? कैसे? पूरी दुनिया डायबिटीज से आजूल रही है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि मुझे ही सब साइंस मालूम है, बाकी लोगों को नहीं पता है। सबको पता है, यूज नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कैसे। ब्लड शुगर इफेक्ट है डायबिटीज का, इफेक्ट है, कॉज नहीं है। दुनिया कहां फंसी हुई है? ब्लड शुगर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये दवा ले लो ऊपर हो जाएगा, ये दवा ले लो नीचे हो जाएगा, इसी में फंसा हुआ है। ब्लड शुगर हुआ क्यों? हाइपर इंसुलिनीमिया के चलते। हाइपर इंसुलिनीमिया कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना? हमारे ख्याल से मैक्सिमम ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, इसके पहले सुना नहीं होगा। कॉज हाइपर इंसुलिनीमिया है। हम उसको टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, हम ब्लड शुगर को टारगेट कर रहे हैं। हम कभी क्योर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डायबिटीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। और हम 3 दिन में, 3 दिन हमें बोलते हुए थोड़ी कभी शर्म भी आती है, 1 दिन में ठीक होता है, लेकिन हम बोलते नहीं कि लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए हम 3 दिन बोलते हैं। हम 3 दिन का कैंप भी लगाते हैं कि भाई आओ, तुमको 3 दिन में दिखाते हैं। तो अपना अपना किट लेते आओ, जो ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं अपना अपना किट लेते आओ, आओ हमारे पास रहो, हमारी बातें सुनो। बीच बीच में हम बकवासें भी करते हैं जो हम कर रहे हैं, ये भी सुनना पड़ेगा। आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होगा। आपको मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप एडुकेटेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जब पुरोहिया चलती है तो होंठ फट जाते हैं, है ना, सबने एक्सपीरियंस किया हो। तो वैसलीन या नारियल तेल कहां लगाते हैं? होंठ पे। कितने टाइम पे ठीक होता है? कितने टाइम पे ठीक होता है? 4-5 दिन लगते हैं। 4-5 घंटे में अगर ठीक करना है तो क्या आप कर सकते हैं? हम क्या, वी वॉन्ट टू प्रोपगेट द फास्टेस्ट, द इजिएस्ट, द चीपेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग क्योर इज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। वी हैव इंटीग्रेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ हीलिंग टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ मैनकाइंड। अगर कोई बीमार है, बिना दवा के ठीक कैसे होगा? बिना कोई चीज के ठीक कैसे होगा? वो हम करते हैं, हम रोज करते हैं। पेशेंट भी बहुत आश्चर्य करते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ये नोशन है कि दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे हो। उन लोगों के लिए दवा बहुत जरूरी है। उन लोगों को दवा के बिना वो जो मर्जी आप समझा लीजिए, वो दवा नहीं लेंगे तो उनको कुछ टैंजिबल चीज चाहिए। ये टैंजिबल चीज है, ये दवा लिया और मैं ठीक हो गया। ये उस जादू को वो अपने मन में समझ के रखेंगे। पता नहीं लोगों को अभी तक वो दवा खोज नहीं पाए। आप कैंसर में ज्यादातर ये बातें सुनेंगे, इंसान खोज नहीं पाए, खोज रहा है, कोई नहीं खोज रहा और कभी नहीं मिलेगा। आप जिस मृग तृष्णा में जी रहे हैं वो जिंदगी भर इसी मृग तृष्णा में रहेंगे और एक दिन फाइनली मौत हो जाएगी इसी मृग तृष्णा में। कि दवा मिल जाएगी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, व्हाट नॉनसेंस। That means we have not understood medicine.
We have not understood what this body is. आप देखिए साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम सब कुछ पलटता जा रहा है, सब कुछ जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ पलटती जा रही है। साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम आप अगर नहीं जानते हैं आपको जरूर नोट करना चाहिए और जरूर देखना चाहिए क्या है साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम। बहुत सी चीजें जैसे उंगली में चोट लग गई, इसको हील होना है, कैसे हील हो? एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक, बायोटिक मींस लाइफ, एंटीबायोटिक इज व्हाट, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, प्रोबायोटिक यूज करिए, प्रीबायोटिक यूज करिए, तब जाके बायोटिक बढ़ेगा। अब तो बायोटिक ने शैंपू भी बनाना शुरू कर दिया, आपने देखा होगा कंपनी है जो शैंपू क्रीम सब बनाती है बायोटिक। एनीवे तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ये चीजें यूज करिए और बैक्टीरिया आपके दुश्मन नहीं है। टैंक ये बॉडी में कितने सेल्स है कौन बताएगा? कोई बताएगा कितने सेल्स है बॉडी में? एक सेल से जीवन, एक सेल से शुरू हुआ था, जाइगोट कहते हैं, एक सेल से जीवन शुरू हुआ और मल्टीप्लाई करते करते हम इस अन्नमय कोष में आए हैं। इस अन्नमय कोष को चलाता है आपका प्राणमय कोष, प्राणमय कोष को चलाता है मनोमय कोष, मनोमय कोष को चलाता है विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष को अच्छा रखता है आनंदमय कोष। ये पांच कोषों से बॉडी बनी है। जो आपको फिजिकली दिख रही है वो अन्नमय कोष है। डिजीजेस यहां पे मैनिफेस्ट करते हैं बेसिस अन्नमय कोष में है, जरूरी नहीं है बेसिस मनोमय कोष में हो सकता है। अगर मैं आपसे जलता हूं तो मैं ऐसी अपने मनोमय कोष में धारणाएं पाल रहा हूं जो हम मेरे अन्नमय कोष पे डिजीज पैदा कर सकते हैं। तो हम मनोमय कोष भी क्लीन करते हैं पेशेंट का जब वो दाखिल होते हैं हमारे पास, और ऑरा भी चेक करते हैं पेशेंट के ऑरा में डिजीज है कि नहीं है। दिस वी डू बाय वाइब्रेशन, वी यूज एवरीथिंग एज मेडिसिन, वी यूज साउंड एज मेडिसिन, वी यूज लाइट एज मेडिसिन, वी यूज हीट एज मेडिसिन, वी यूज पॉस्चर एज मेडिसिन, वी यूज एवरीथिंग एज मेडिसिन एक्सेप्ट मेडिसिन। जो आप मेडिसिन समझते हैं वो हम यूजिंग करते हैं। विटामिन डी का कैप्सूल खाने से विटामिन डी आपको मिल गया, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब, दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है। आपने सूरज को कैप्सूल में कैप्चर कर लिया क्या? याद रखिए बेसिक्स है, सनलाइट से मिलता है, सनलाइट को कैप्सूल में कैप्चर कर लिया क्या? प्रकृति में यह ताकत नहीं है। दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ इज द सन, सूर्य देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। आप अगर नहीं दिख रहे हैं तो आंखों में चश्मा लगाइए, प्रत्यक्ष देवता है, दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ, और कोई सोर्स भी नहीं। तो सूर्य से किरणें आई, कैप्चर कहां होती है? ओनली प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू कैप्चर सनलाइट, वो भी 5%, 95% आपको सूरज में रहना पड़ेगा। आप इस देश में हैं गलती से, वैसे तो उस देश में जीना ही नहीं चाहिए जहां पर सूरज रोज सुबह उगते ना हो और शाम को डूबते ना हो। वो देश अगर अपने आप को बहुत डेवलप समझ रहे हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो देश में रहना भी नहीं चाहिए। एनीवे तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर रोज सुबह आपको सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, रोज शाम को सूर्य देवता डूबते हैं, रोज आपको दिखता है। नाउ सूरज से ही विटामिन डी मिलता है और कोई सोर्स नहीं है। अगर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है दैट इज नॉन साइंस, उसको नॉनसेंस कहते हैं। हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी, जब तक हमें वो साइंस ठीक से नहीं पता है तब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे
और लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे आपको, क्योंकि आपको इसकी डिफिशियंसी है। ब्लड शुगर की दवा से ब्लड शुगर ठीक हो जाता है, टेस्ट में भी दिखता है। तो ये पूछने जैसी बात है कि 400 ब्लड शुगर था, अगर 100 हो गया है दवा से, तो बाकी 300 कहां गए? कहां गए 300? छींक से निकल गया, यूरिन से निकल गया, पॉटी से निकल गया, कहां से निकला? वो कहीं से नहीं निकला, वो बॉडी के अंदर ही है। जिसको जो डैमेज करना है वो कर रहा है, इसीलिए ब्लड शुगर मेंटेन होते हुए भी 20 साल में किडनी फेल कर जाती है दवा लेते रहे। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेगी। हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी क्यों क्या चीज होगी। सिर्फ ब्लड शुगर नॉर्मल कर देना क्योर नहीं है। क्योर कैसे होगा? कोई भी चीज बिल्कुल ठीक कैसे होगी? ताकि क्योर का मतलब है दोबारा कभी बीमारियां ना हो। तो जैसा मैं बता रहा था कि दो ही तरीके हैं बीमार बीमारी होने के, या तो पैथोजन बाहर से आएगा या अंदर का सेल पैथोजन निकल जाएगा। इन दोनों से लड़ने की क्षमता इम्यून सिस्टम को है। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं इम्यून सिस्टम को अगर बूस्ट करती हैं तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, अगर इम्यून सिस्टम को बाधित करती हैं आपकी क्षमता घटेगी। कोई भी दवा बॉडी में एसिडिटी कॉज करती है, कोई भी दवा, ये बॉडी एसिड बेस बैलेंस में दिन भर रहती है, दिन भर एसिड बेस बैलेंस के चक्कर में रहती है। कोई थॉट भी आया वो भी एसिड पैदा करता है। आपने खाना खाया तो गैस्ट्रिक एसिड पैदा होगा, एक्सरसाइज किया तो लैक्टिक एसिड पैदा होगा, दिन भर एसिड पैदा होगा। इस एसिड को निकालने के लिए बॉडी के पास चार ही तरीके हैं, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, यही चार तरीके हैं, पांचवा कोई तरीका नहीं। अगर आपने लंबी ब्रीदिंग की तो आप एसिड निकाल रहे हैं, एल्कलाइन ब्रीदिंग बोलते हैं। परस्पिरेशन, पसीना बहुत आ रहा है, एसी चला दो, आपने बॉडी को हेल्प नहीं किया, पसीना निकलना जरूरी है। जिनकी किडनी से यूरिन नहीं निकल पा रहा है, किडनी फेलियर को हम रिवर्स कैसे कर रहे हैं? उनका यूरिन हम पसीने से निकाल रहे हैं। वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। डायलिसिस कम या बंद हो जा रहे हैं। We are just using science, just science, just pure science. हम स्किन को यूज कर रहे हैं एज किडनी 2.0 और डायलिसिस की जरूरत खत्म होती जा रही है। उस पेशेंट का जीवन, उसकी उसकी किडनी बढ़ती जा रही है। और चूंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, हम कोई भी बात ऐसे बोलते नहीं, हम तो उसका इमेज प्रोड्यूस करके आपको दिखाते हैं, हाँ भाई किडनी का स्टेटस ये था पहले, आज 3 महीने बाद ये स्टेटस है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये, तुम चैलेंज कर लो, ये कर लो, वो करो, जो मर्जी कर लो। वी आर ट्राइंग टू हेल्प क्योर अ पेशेंट, और हम यही कर रहे हैं। तो मैं ये बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं देखता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ सबको बोर कर दिया हूं। तो कैंसर का भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि दूसरा पैंडेमिक कैंसर है, जो नेक्स्ट पैंडेमिक आने वाला है वो पैंडेमिक ऑफ कैंसर है। पहले क्या सुनने में आता था किसी किसी को कैंसर हो जाता है, क्या है? उसके बाद दूर दराज के फैमिली मेंबर्स को होने लगा, फिर परिवार में होने लगा, अब तो घर घर तक पहुंच गया है। क्या करें, हमारे तक भी पहुंच जाएगा, क्या करें? नहीं, ये चीज करने से कैंसर होता है। हमारी कैंसर की समझ पूरी दुनिया में मुझे लगता है 0 है, क्योंकि 1970 से वॉर ऑन कैंसर चल रहा है। 53 साल हो गए, दुनिया अपने आप को बड़ा साइंटिफिक और बड़ा ये, हम तो यहां पहुंच गए वहां पहुंच गए, कैंसर तो बढ़ता ही गया।
तो हम कहां हैं, हम कैसे क्लेम करते हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर बहुत जरूरी है। कैंसर क्या है? फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। एक सेल दो में मल्टीप्लाई करता है, ये फिजियोलॉजी है। माइटोसिस, इसको माइटोसिस कहते हैं। आपने जब 10th स्टैंडर्ड जब पास किया होगा, उसके पहले माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन आपने सुना होगा। तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस कहते हैं नॉर्मल को, और सेक्सुअल को मियोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस एक फिजियोलॉजी है। यही फिजियोलॉजी जब पैथोलॉजिकल हो जाती है उसको माइटोटिक पैथोलॉजी कहते हैं, और वही कैंसर है। तो एक सेल दो में डिवाइड किया, अगर वो अनइक्वल डिवीजन है या किसी तरीके से वो नॉर्मल डिवीजन नहीं है, वही कैंसरस सेल है। जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस पर सेकेंड आपके बॉडी में सेल डिवाइड कर रहे हैं, चांसेस तो है ना कि एक डिवीजन नॉर्मल ना हो, तो चांसेस तो है ना कि सभी को कैंसर हो। तो ये रोकता कौन है? ये आपकी क्षमता रोकती है। आपका इसमें सिर्फ दैहिक तरीके से हम कैंसर को नहीं देखते हैं। इनफैक्ट हम किसी भी डिजीज को दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों एंगल से देखते हैं, और इन तीनों एंगल से प्रहार करते हैं, तभी हम बहुत सी डिजीज को क्योर कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ आप दैहिक अगर क्योर करोगे तो वापस आएगा। अगर आपके ऑरा में से नहीं निकाला डिजीज को तो वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। तो क्योर क्योर बोल के हम इतना प्रसन्न ना हो जाए, क्योंकि वो वापस आएगा जब तक हमने इन तीनों पे एक साथ वार नहीं किया। इसलिए हम कोई भी डिजीज को दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों एंगल से देखते हैं, और इन तीनों एंगल से कोशिश करते हैं जितनी हमारी क्षमता है उसको क्योर कर पाए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कैंसर में हुआ क्या है, माइटोटिक पैथोलॉजी है। अब ये जो सेल है ये बॉडी की कोई बात मानता नहीं है, और ये अंदर का सेल है, घर का भेदी लंका है, ये घर का भेदी है। पूरा सर्विलांस सिस्टम मालूम है उसको, इट्स अ टेररिस्ट सेल। सर्विलांस सिस्टम आता है ये चुप जाता है, एंड इट इज अ चाइल्ड मोलेस्टर। स्टेम सेल्स को मोलेस्ट करके अपने में जोड़ता रहता है, और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बॉडी छोटी हो जाती है, और ये एक टेररिस्ट सेल है। टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म हो गया क्या? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, टेररिस्ट को बहुत मारा होगा, टेररिज्म खत्म हो गया क्या? टेररिज्म के फिलॉसफी पे अटैक करना पड़ेगा। टेररिस्ट को मार के टेररिज्म नहीं खत्म होगा। तो कैंसर अगर टेररिस्ट सेल है तो सर्जरी क्या है? काट के निकाल दो। रेडियोथेरेपी क्या है? जला दो। कीमोथेरेपी क्या है? पॉइजन कर दो। ये सब किलिंग टेक्निक्स हैं। टेररिस्ट मर सकता है, टेररिज्म नहीं मरेगा। इसीलिए जब वो वापस आता है उसको नया नाम देते हैं मेटास्टेसिस। वो क्या है? वो वही कैंसर है जो आप क्योर नहीं कर पाए, वो वापस आया। इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। क्योंकि मैं पेट सीटी करता हूं, रोज देखता हूं, एवरी डे हमारा ये रोज का काम है। तो हमने क्या किया? कीमोथेरेपी से क्योर कर दिया। हमें ये कोई ऐसी पद्धति बनानी पड़ेगी, जो हम इस कोशिश में हैं, जो हम कर रहे हैं और बहुत से पेशेंट्स पे कर रहे हैं, जहां पर कैंसर की फिलॉसफी पे वार कर रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जो भी हम कर रहे हैं, मुझे दुनिया में जितने लोग कैंसर से डील करते हैं, वो एक पेशेंट दिखा दें कि जो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से ठीक हो गया हो, कैंसर खत्म हो गया, एक पूरी दुनिया दिखा दे। मेरे पास 24 का कैंसर खत्म, बॉडी से कैंसर ही नहीं। सो विच मींस कि हमारी पद्धति काम कर रही है। और कैंसर पेशेंट्स जो हमारे यहां दाखिल हैं, आप उनसे पूछें
कि वो अक्सर कैसा फील कर रहे थे, यहां पे कैसे फील कर रहे हैं। तो वो एक पूरी साइंस है जो हम यूज करते हैं, पेशेंट के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं, उसका दैहिक दैविक आध्यात्मिक स्वरूप ठीक करते हैं, बहुत सी चीजें कट जाती है, बहुत सी चीजें आपके कार्मिक पाथवे से आती है, आपके कर्म ऐसे हैं कि वो आप उससे बचेंगे नहीं। कर्म ऐसे हैं जैसे गाय अपने बछड़े को हजार बछड़ों की भीड़ में ढूंढ लेती है, आपके कर्म आपको ढूंढ लेंगे, उसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म तक तो आप ठीक कर सकते हैं, प्रारब्ध का क्या करेंगे, वो तो पिछले जन्म के हैं। हमारी कोशिश थर्ड आई में जो हमारा देहरादून में हॉस्पिटल है, प्रारब्ध पर भी हम वार करते हैं, मतलब हम ये चीजें पहचानते हैं। पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सब चीजों से बीमारियां होती हैं। हम इनको आइडेंटिफाई करने के बाद भी हम प्रारब्ध पे भी वार कर रहे हैं। हम जो यज्ञ करवाते हैं सुबह में, यज्ञ से प्रारब्ध करता है, तो हम वहां से शुरू करते हैं अपना दिन। तो ये करते करते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, कोई भी फॉर्मूला, कोई एक आदमी सात नंबर का जूता सब पे फिट हो जाता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक काउंटर क्वेश्चन, सात नंबर का जूता सब पे फिट होता है? उसी तरह ऐसा कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता है, क्योंकि सबकी बॉडी मेकअप अलग है, बॉडी टोन अलग है, वात कब अलग है, उसको जो बीमारियां हैं उसके हिसाब से ठीक करनी ज्यादा जरूरी है, तभी जाके क्योर होगा। वैसे बेसिक्स के लिए बता दूं कि आप जब भी टीवी खोलेंगे झूठ दिखता है, सच्चाई को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। बेचा क्या जाता है? झूठ। विटामिन ई का क्रीम लगाने से चेहरे पे चमक रहती हो, मैं नहीं जानता हूं। विटामिन ई खाना पड़ेगा, वो अंकुरित चने में होता है। अब पॉन्स की इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? भाई तुम अंकुरित चने खाओ, तुम्हारी स्किन में ग्लो अच्छा रहेगा। तो पॉन्स का तो सामान बिक गया, इसीलिए वो झूठ बेचते हैं कि भाई ये क्रीम लगा लो, चेहरे पे शाइन रहेगा, इससे झुर्रियां चली जाएंगी। ये सब नॉनसेंस, ये सब झूठ है। इसलिए बेसिक्स पे आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें झूठ है। तो सच्चाई क्या है? इतना ठीक 8 बजे पिज्जा हट का एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, डोमिनोज पिज्जा का, ये भी ऐसे करके उसमें से कुछ निकल रहा है आपके एकदम उसी समय आपके फोन पे, हाँ भाई आज तो डोमिनोज पिज्जा खा लीजिए। ये आपके सबकॉन्शियस पे वार है। हमें बेसिक मूलभूत समझ नहीं आता है, ठीक है क्या हुआ, कभी पिज्जा खा भी नहीं तो क्या हुआ। हमें बेसिक्स पे आना पड़ेगा, भारतीय बनना पड़ेगा। भारतीयता में क्या है? 2 जून भोजन, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं। 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। 75 साल बना रहे हम अब ब्रिटिशर्स के जाने का, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनके साथ चले जाना चाहिए था। और भारतीयता उस समय, इसीलिए प्रधानमंत्री की वो बात मैं भूलता नहीं हूं जो लाल किले के प्राचीर से कह रहे थे कि गुलामी की हर चीज हमें काट के फेंक देनी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसके साथ ही चले जाना चाहिए। 2 जून भोजन पे आइए, 8 घंटे का गैप दीजिए, डायबिटीज भी ठीक होगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, ओबेसिटी भी ठीक होगा, कैंसर है तो वो भी ठीक होगा। इंसुलिन क्या करती है? जब भी आपको हर आधे घंटे में आपको कुछ खाना है, पता लगता है पेट में महिषासुर ही घुस गया है। अगर महिषासुर घुस गया है तो महिषासुर मर्दिनी को ले आइए, क्योंकि हर आधे घंटे में कुछ खाएंगे तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये बॉडी का
डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर शुगर नहीं चढ़ेगा तो बॉडी सड़ जाएगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है। पैंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, उस शुगर को लेके सेल में डालता है, वो हर आधे घंटे पे इंसुलिन आ जाता है, चलो यार तुम और दरवाजा खोलो मेरे को शुगर डालना है, वो सेल बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को, इतना तुम खा रहे हो नहीं चाहिए मेरे को। इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया क्यों? हर आधे घंटे पे खाना है कुछ आपको, हर एक घंटे पे कुछ खाना है आपको, तो खाओ भरो। लोग बोलेंगे कि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं, तो खाओ भरो, तुम्हारी मर्जी है। 8 घंटे का गैप दीजिए, 7.5 घंटे बॉडी को लगते हैं इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। जब भी आप कुछ खाते हैं इंसुलिन शूट अप करता है पैंक्रियास से, जब भी शूट अप करेगा 7.5 घंटे लगेंगे उस इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए, बॉडी खुद करेगी, कोई ड्रग नहीं करेगा। तो अगर आपने 7.5 घंटे के बीच में कुछ और खा लिया तो फिर इंसुलिन निकल जाएगा, फिर कुछ खा लिया तो फिर इंसुलिन निकल जाएगा, तो इंसुलिन निकलता रहेगा, डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर दवा आपको बेचते रहे। इसीलिए फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री एक साथ है, क्यों एक साथ है? फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री, ये आपको अफ्रीका जाके पता चलेगा। मैं जब गया अफ्रीका में, गरीब देश था माली, वहां पर मैं गया, देखा एक रेस्टोरेंट है उसके बगल में फार्मेसी है, फिर एक रेस्टोरेंट है फिर एक फार्मेसी है, फिर एक रेस्टोरेंट है फिर एक फार्मेसी है, खाओ बीमार पड़ो, खाओ बीमार पड़ो, ये सीधा दिख रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, दिखना पड़ेगा आपको। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री क्यों साथ में आए। एफडीए के लिए पूरी दुनिया एटीएम है, देश चलाते हैं वो, यूएसए उनकी जेब में रहता है एफडीए के, वो इतनी पावरफुल ऑटोनोमस बॉडी है, वही वैक्सीन बनाते हैं, वही ये सब ड्रग्स बनाते हैं, एफडीए के हैं। क्या मतलब है? फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। फूड और ड्रग को क्यों साथ साथ आना पड़ा? फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होने देंगे, ये मतलब है इसका। आप एटीएम है उसके, अब तो पीडियाट्रिशियंस को भी समझा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला फीड है ये मां के दूध के बराबर है। बॉस, जिस दिन आपने मां का दूध का बराबरी निकाल दिया, इंसान भगवान बन जाएगा। मां के दूध का सानी और बराबरी हो नहीं सकता है। इंसान जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, नहीं कर सकता। हमने तो पीडियाट्रिशियन के माध्यम से उन माताओं को भी समझा दिया, तुम्हारा दूध नहीं आता है कोई बात नहीं, तुम ये फॉर्मूला फीड ले लो। एक ही बात, बिल्कुल एक ही बात नहीं, बिल्कुल एक ही बात नहीं। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक लोग हमें समझाते रहेंगे, दूसरी दूसरी बातें बताते रहेंगे और हम बीमार रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा हम क्यों बीमार। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन, आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। जी जी सर, जिस एरिया में आप जो जड़ से आघात कर रहे हो, जड़, यही विकास की परिभाषा है और यही जो बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े एजी। मेरा जो प्रश्न था कि आप इतने बड़े पंगे के एरिया में उतर रहे हैं और अगर नॉर्मल वैद्य या पंचगव्य विद्यापीठ के हमारे चांसलर साहब कहे, मैं आईएएस का होते हुए जब ये कहूं और आप एमबीबीएस एमडी होते जब ये कहेंगे तो कितना बड़ा रिपल्स पैदा होगा पागलों के शोषण वाले माहौल में कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं। जैसा मेरा जो अनुरोध है और सवाल भी कि कैसे ये उंगलियों की मुट्ठी बने और जो बड़े बड़े असाध्य रोगों से बीमार पड़े हैं, चाहे वो पंचगव्य वाले हो, चाहे नाड़ी वाले हो, चाहे आपका एक्सपर्टाइज वाला हो, तो कैसे एक निदान दिया जाए जिसका नाम होगा शोषक बनाम पोषक, परंपरागत टाइम टेस्टेड बनाम केमिकल ओरिएंटेड वाला, तो इसके लिए रणनीति, क्योंकि लड़ाई तो बड़ी तगड़ी होगी और उसमें सब जुड़े हुए हैं,
तो मैं केवल आपको आगाह कर रहा था कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े पंगे के लड़ाई के बदलाने के जेल के रास्ते की तरफ चल रहे तो कृपा करके इसमें प्रिकॉशंस क्या ले और कैसे अपनी बात को वाकई उंगली की मुट्ठी बनाकर जो विश्व गुरु वाली लाइन है उसमें कैसे गति बढ़े इस पे मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा रणनीति पर आप जरूर कहे क्योंकि वैद्य तो देखे हैं सुने हैं मानते हैं और 50-60 साल में अपन ने क्या हुआ वो भी देख लिया है तो अब पुनर्जीवन के लिए कैसे उंगली की मुट्ठी बनकर दुश्मनों को समझे जो शोषक है ऑर्गेनाइज है और पूरी दुनिया में जिनकी पकड़ है बहुत बड़ा प्रश्न है धन्यवाद थैंक यू सर तो ये है कि जो आप उंगली से मुट्ठी बनाने की बात कर रहे थे वही है इंटीग्रेटेड मेडिसिन हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी हीलिंग पद्धतियां हैं उसको इंटीग्रेट करके क्या हम कोई ऐसा निचोड़ किसी एक डिजीज प्रोसेस और किसी एक पेशेंट के लिए पैदा कर सकते हैं ताकि वो अपनी बीमारी को छोड़ के डिजीज फ्री हो पाए हमारी कोशिश यही है और हम यही कर रहे हैं दूसरा इसको बड़े स्केल पे कैसे किया जाए तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें कॉम्पिटिशन की भावना से ऊपर आना एलोपैथी में क्या होता है उनको लगता है पूरी दुनिया में बाकी सब तो क्रैक ही है और बाकी को क्या लगता है एलोपैथी वाले का लुक वो निकालते रहते हैं उसको ये नहीं पता है उनका ये साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट है तो इससे तकरार पैदा होती है हम कहीं कोई कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाते हैं और इसमें किसी का भला नहीं ना उनका ना इनका अल्टीमेटली आप क्या भलाई करने निकले हैं पेशेंट का क्या पेशेंट की भलाई है इसमें क्या हम आपस में लड़ रहे हैं और पेशेंट को कोई फायदा नहीं मिल रहा है इसीलिए इंटीग्रेट करने की जरूरत है इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है इसीलिए आयुष में एक और ए डालने की जरूरत है आयुष का फुल फॉर्म क्या है आयुर्वेद योग यूनानी सिद्धा होम्योपैथी उसमें एलोपैथी भी जोड़ना है तो एलोपैथी प्लस आयुष इज डबल AUSH प्रयास यही होनी चाहिए ये इंटीग्रेट हो सके एक प्लेटफॉर्म पे आ सके सभी चीजें सबकी अच्छी है जरूरी नहीं है सभी चीजें सबकी बुरी है ये भी जरूरी नहीं इसलिए बेस्ट सभी का बेस्ट लेके क्या हम पेशेंट को हील कर पाएंगे हमारी कोशिश थर्ड आई हमने अपने इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया है थर्ड आई तीसरी आंख क्योंकि मैं PhD भी कर रहा हूं रेडियो डायग्नोसिस में पाइनियल ग्लैंड में तो थर्ड आई हमने नाम दिया है अपने हॉस्पिटल का और हमारी कोशिश इंटीग्रेटेड मेडिसिन में यही उसको वहां से स्केल अप करेंगे तो शायद हम स्केल अप कर पाएंगे शायद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे बड़े लेवल तक इंटीग्रेट कर पाएंगे और एक दिन भारत को विश्व गुरु ये बनाने के रास्ते में कुछ योगदान कर पाएंगे जरूर तो आप बहुत वेलकम हैं आप देहरादून में आ सकते हैं मैं यहाँ दिल्ली में भी आता हूँ हर मंगलवार को मेरी OPD होती है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश में वहाँ पर मैं न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ और वहाँ पर मेरी एक न्यूक्लियर मेडिसिन की यूनिट भी है जहाँ पर हम गामा कैमरा एंड पेट CT स्कैन करते हैं वहाँ और वहां पे ईस्ट ऑफ कैलाश में है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में मंगलवार को मैं वहां पे होता ही हूँ मैं OPD करता हूँ आप लोग बड़े मात्रा में आप आए वहां पर बैठे हमें पहले से इन्फॉर्म कर दें ताकि हम कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करके रखें और वहां पर हम चर्चा भी कर सकते हैं इस बात को आगे भी लेके जा सकते हैं वी आर रेडी टू इंटीग्रेट हम पंचगव्य ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं अपने इंटीग्रेटेड मेडिसिन में पंचगव्य को अपने इंटीग्रेट कर लिया हम अभी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने देहरादून में होल्ड किया था जहां पर पूरे देश और विदेश से लोग आए थे
इंटीग्रेटेड मेडिसिन का 5 दिन का वर्कशॉप था सीखने के लिए। हम ऐसे फ्यूचर में भी अप्रैल में ही करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन है सिकंदर जी जो मेरे साथ हैं, आप उनके व्हाट्सएप पे, आप अगर चाहें तो नंबर नोट कर लें, आप उनके व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज छोड़ दें ताकि हम नेक्स्ट बैच में आपको ले सकें। ये सभी विद्याएं कौन से पेशेंट पे कौन सी विद्या यूज होगी ताकि हम उसको क्योर कर पाए, ये बड़ा जरूरी है। और ये हम वहां पे पूरी एक टीम है, पैनल है जो डिसाइड करती है। आप कभी हमारे वर्चुअल ओपीडी में आइए, हम वर्चुअली कैनेडा से कोई पेशेंट कॉन्टेक्ट कर रहा है, हम कैनेडा जा नहीं सकते, वो यहाँ पे आ नहीं सकता है, हम उसको कल के कल ही देख लेंगे। कैसे देखेंगे? हमारी पूरी टीम बैठती है जूम पे, और हम योग के एंगल से, आयुर्वेद के एंगल से, होम्योपैथी के एंगल से सब लोग उस पेशेंट की बात सुनते हैं। कोई एक मेडिकल ऑफिसर को हम लगाते हैं जो पहले हिस्ट्री ले लेता है उसका, फिर वो हिस्ट्री तैयार करता है, फिर हम सभी लोग मिलके इंटीग्रेट करके एक प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं कि उसका क्या प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसको दिया जाता है और हम फॉलो अप लेते हैं। हम 45 डेज तक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, उसको कोई तकलीफ है उसको सॉल्व करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि 45 डेज में पेशेंट या तो क्योर हो जाए या क्योर के रास्ते में आ जाए। इसलिए आप देखेंगे हमारा जो हीलिंग रेट है ऑलमोस्ट 95% है। 100 पेशेंट देखा तो 95 ठीक किया। यही बात हमारे एक एक गोष्ठी में एक बड़े इंस्टीट्यूशन के एंडोक्राइनोलॉजी के हेड भी बैठे हुए थे, मैं भी था, हम लोग एक ही फोरम शेयर कर रहे थे। उन्होंने बड़ी गुस्से में डायबिटीज की जब बात आई तो बोला कि मैंने तो 1 लाख पेशेंट देखे होंगे। मैंने बोला प्रभु आप तो प्रभु हो, आपने 1 लाख नहीं, आप तो बहुत मॉडेस्ट हो, आप तो 3 लाख देखा होगा, आप 1 लाख बोल रहे हो मॉडेस्टी में, मैंने 3 लाख देखा, हमने 100 देखे तो 100 ठीक किए, आप बताइए। तो ऐसी टारगेटेड अप्रोच होनी बहुत जरूरी, जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाए रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश। अरे ये हो गया क्या कर, अरे पेशेंट को डरा मत, उसको बोलो कुछ नहीं है, विल ट्राई टू हेल्प यू, आप ठीक हो जाओगे, ये सबसे पहला रूल है। आपने अगर पेशेंट को, अरे तुमको तो कैंसर हो गया और आपने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, पेशेंट तो गया गया। आप देखिए हम जब MBBS की बात इंटर्नशिप कर रहे थे, हम तो जंगल से पढ़े, जमशेदपुर से पढ़ा, तो 100 साल के काटे हुए देखे होंगे आपने, 100 पूरे मतलब इंटर्नशिप के दौरान, उसमें से 97 मर जाते हैं। 3 ही दिल वाले होते हैं जो बच जाते हैं, 97 मर जाते हैं, 97 में से मैक्सिमम 1 आदमी जहर से मरता है, बाकी इस डर से मरते हैं कि सांप ने काट लिया है, उसका कुछ नहीं किया सकता है, वो ऐसे केमिकल्स पैदा करेगा। तो ये स्थितियां हैं, तो हमें पेशेंट के साइकोलॉजी का भी कैसे ख्याल रखना है, कैसे प्रेजेंट भी दिखना है, प्रेजेंटेबल भी रहना है, और पेशेंट को ये कन्विंस करना है कि आप ठीक हो जाओ, चिंता ना करो। और पीछे से अगर कोई गंभीर बात भी है तो पीछे से लगे रहे, सामने से प्रत्यक्ष आपकी शक्ल पे वो बात नहीं आनी चाहिए, अरे तुमको तो कैंसर है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत काम करता है पेशेंट के ठीक होने या नहीं होने में। ये सभी बातें सीखनी बहुत जरूरी है। तो आप ये मोस्ट वेलकम सर, मैं नंबर आपको बता देता हूं, आप नोट कर ले, 9953416367। और अगर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना है तो बात नहीं मतलब मैसेज करना है तो मेरा भी नंबर नोट कर ले, मेरा नंबर बहुत सिंपल है 9815099999। तो आप योर मोस्ट वेलकम सर, हम सबको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, सबको जोड़ना चाहेंगे, और ये बात घर घर आप देखिए ना, हम जब पेशेंट भी ठीक करते हैं उनको सबसे पहले बोलते हैं आपको पहले फॉर्म साइन करना पड़ेगा, आप अगर ठीक होते हैं तो आप 2 लोगों को और ठीक करेंगे,
क्योंकि ये एक आंदोलन के तौर पे हम चलाना चाहते हैं। मैं अकेले कितने लोगों को देखूं, कितने लोगों को ठीक कर पाऊं। आप हमारे हाथ पे, आप भी सीखें, आप लोगों को और सिखाएं, पूरा भारत स्वस्थ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के देश है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किससे उम्मीद, किससे है? आप सोचते हैं अमेरिका से कोई आएगा और ऐसा करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये जी, एनी मोर क्वेश्चंस? सो थैंक यू वेरी मच।